सुखदेव की तरफ से आवाज दी उन वृक्षों ने कि हे व्यास, किसको बेटा कह रहे हैं, किसको रोकना चाह रहे हैं? वो तो वैरागी हो गया, अब वो तुम्हारे काबू में आने वाला नहीं है। किंतु कुछ कुछ साधारण नहीं है, अरे तुम देखते नहीं उसके अभी कोई वस्तु में धारण नहीं किया है, भागा जा रहा है मात्र सिंह, लौट जाओ तो अब नहीं वापस आने वाला। इधर देखे जा रहे हम चले गए, व्यासी को समझ में आया कि ये बात ठीक नहीं, लौटे लौट कर के चले। तो आज उन्हीं की व्यासी को एक बात दिया गया, देखो मेरे प्यारे ये व्यासी भी इस समाज में इस दुनिया में रहते थे और वही ज्ञानी थे, और ये व्यास जी जब संसार में जीते थे ग्रस्त धर्म का पालन करते थे तो इन्होंने क्या किया था कि संसार के जीव बड़े पापी हैं, कामनाओं में लगे रहते हैं, भजन नहीं करते, तो ये सब जीव को कैसे ज्ञान हो, क्या क्या जिससे कि भगवान से प्रेम हो जाए। तो कहते हैं कि व्यास जी ने चार भेदों को लिखा, चार भेदों को लिखा, और जैसे ही चार भेदों को लिखा और वो चार भेद ही कोई साधारण नहीं, एक एक भेद में एक एक लाख श्लोक मंत्र है। मन ने विचार किया कि अगर ये भेद को मैंने संसार को दे दिया तो ये संसार वाले भेद नहीं बन पाएंगे, कारण क्योंकि संसार के जीव खाने वाले कमाने में लगे रहते हैं, इनके पास समय कम है जो वेद पढ़ सके, और वेद वेद कोई साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, घर त्यागना पड़ता है, पाठशालाओं में रहना पड़ता है, इन्हें कैसे ज्ञान होगा। तो आज व्यास जी ने चार वेदों से भी छह शास्त्रों की रचना की, छह शास्त्रों को लिखा। अब जैसे ही छह शास्त्र लिखे फिर चक्कर में पड़ गए व्यास जी कि अभी तो चार थे, अब तो मैंने छह शास्त्रों में और घट भैया नहीं पढ़ सकते, मन में विचार किया अब क्या करूं। तो इन्होंने 17 पुराण एक महाभारत की रचना की, और जैसे ही 17 पुराण एक महाभारत की रचना की ना व्यास जी ने मन में विचार किया कि देखो मैंने 17 पुराण और महाभारत की तो रचना कर दी, पर जब इनकी रचना करने के बाद मेरे मन में ही शांति नहीं है तो इस संसार वालों को शांति कैसे मिले। और जैसे ही मन में विचार किया तो एकांत में जाकर के उस गंगा के तट पर बैठ गए, दुखी थे, बड़े दुखी थे। इतने में क्या हुआ कि वही नारद बाबा भगवान नारायण का नाम लेते हुए आए, और जैसे ही नारद बाबा आए ना व्यास जी को आवाज लगाई, कहा हे पार्वती पुत्र आप दुखी मन से क्यों बैठे, क्या क्या रास्ता रही है, अरे तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए कि तुमने चार भेदों की रचना की जिनमें लाखों मंत्र हैं और चार भेद के साथ छह शास्त्र लिख दिए जो बहुत मोटे मोटे हैं, और ऊपर से एक महाभारत और 17 पुराणों की रचना कर दी, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुमसे बड़ा लेखक कवि कौन हो सकता है, कौन क्या कह सकता है, क्योंकि इस संसार का जीव अगर एक कविता भी लिख देता है तो अपने आप को बचाने क्या समझता है, प्रसन्नता की सीमाएं तोड़ देता है, एक कविता लिखनी पड़ और तुमने मुझे
यात्री हाथ जोड़ करके कहने लगे, बाबा मैंने चार वेद, सत्रह पुराण, छह शास्त्र, महाभारत रख दिया हूं, पर जिसके लिए, जिस प्रयोजन के लिए मैंने लिखा था, मेरा काल सिद्ध नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इनको लिखा था कि संसार में ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो, और ये संसार के जीव तो इतने आलसी हैं कि ने पढ़ ही नहीं, ज्ञान तो पा ही नहीं सकते, तो इन्हें शांति कैसे मिलेगी, प्रेम कैसे होगा। और एक बात बताऊं, जब मुझे ही शांति नहीं तो संसार के लोगों को कैसे शांति होगी। जैसे ही मन में विचार किया तो नारद बाबा मुस्कुरा करके कहने लगे कि वास्तविक व्यास तुम बड़ी ज्ञानी हो जो सब सत्य को समझ सकते हो, क्योंकि ये सत्य हर कोई नहीं समझ सकता, तुमने सत्य को जाना है। कहा कि देखो व्यास, तुमने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, शास्त्रों की, और यहां तक कि महाभारत भर दिया, तुमने देखा है महाभारत में युद्ध के अलावा कुछ है ही नहीं, उसमें तो मात्र कार्तिक की रचना है, तो उससे शांति तुम्हें कैसे मिलेगी, कहां से आएगी शांति। अरे तुमने कहीं ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन किया, ठाकुर जी की प्रेम कई कथाओं का वर्णन किया, अगर तुम गोविंद की लीलाओं को लिखते, उनकी रचना करते, तब जाकर के तुम्हें सुख मिलता। व्यास जी कहने लगे, हे बाबा कहना क्या चाहते हो, सीधी सीधी कहो ना। नारद कहते हैं कि तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा लिखनी चाहिए, क्योंकि भागवत कथा ही ऐसी कथा है जिसमें मेरे गोविंद की चर्चा है, मेरे गोविंद को रिझाने की, गोविंद को पाने का तरीका है, उपाय है, उनसे प्रेम कैसे किया जाता है ये बताया गया है। मेरे प्यारे भाई, जैसे ही कहा भागवत की रचना करो, व्यास जी कहते हैं कि चार वेद लिखते लिखते, शास्त्र पुराण और महाभारत लिखते लिखते, तो इतना बुढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, उम्र गुजर गई, हाथ कांपते हैं, और तुम ऊपर से कहते हो कि भागवत और लिख दो, अब मैं कैसे लिख सकता हूं, मुझमें अब कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं और कुछ लिख सकूं। तो आज नारद बाबा कहने लगे, व्यास जी चिंता गांधी को करते भाई भाई चिंता करते, अरे जिसे गोविंद पर विश्वास हो वो क्या नहीं कर सकता, उसे जवानी से बुढ़ापे से क्या प्रयोजन, जो गोविंद के नाम में रहता है उसमें कभी बुढ़ापा आता नहीं। आज नारद बाबा कहते हैं, मुझे देख रहे हैं